आराम करके उठ जी गई हूँ और मैडम अच्छे मैं और ये लगाना है, ये है सरसों का पेस्ट। इसे होली छोटी होली वाले दिन पेस्ट बना के हाथ पैर पे लगाते हैं और होली का अंदर जाके इसको मतलब जला जला देते हैं, उसी में डाल देते हैं ऐसे। इसको लगाने के बाद फिर उसको सरसों का तेल लगा के और फिर हाथ वाथ में धो देती हूँ। उसको कहते हैं कि पूरे शरीर की जो भी है गंदगी हो, मैल हो, हमारी बुरी जो भी हमने चीज़ें की हों, अच्छे मतलब बुरी चीज़ें, वो सब इसमें निकल के और होलिका के साथ बुराई जैसे ख़त्म हो जाती है, जल जाती है, ऐसे हमारी गंदगी भी जल जाए। तो कहते हैं और पता नहीं कौन कौन सी बातें इसके पीछे, मैं तो पता नहीं। सरसों का पेस्ट लगा लिया अच्छे से, उसे उतार भी दिया और हाथ वाथ धो के मैं आ गई हूँ किचन में। और अब करनी है मुझे गुजिया बनाने की जल्दी से तैयारी, और उसके लिए मैंने सबसे पहले ये मैदा ले लिया है और इसके अंदर डालूंगी मैं घी बहुत सारा। मेरा मैदा और इसके अंदर जाएगा घी। इसमें डल चुका है काफ़ी घी और अब घी और मैदे को मुझे मोहन करना है जब तक ये एकदम ऐसे हाथ में इसका बैंड ना बन जाए। जैसे आटे जैसा दबने लगेगा तब उसके बाद ये मोहिन हो जाएगा अच्छे से। अब मैं मैदे को जल्दी से अच्छे से मोहिन कर लेती हूँ, फिर इसको पानी के साथ मिला के इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बट गुजिया एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनी वैसा आटा मैं गूंध लेती हूँ जल्दी। ये आटा गूंध गया और सूती गीले कपड़े से मैंने इसे ढक दिया है कॉटन के कपड़े से। इसको देंगे हाफ एन आवर का रेस्ट और इसके साथ साथ हम करेंगे और दूसरी तैयारी। मैंने ले लिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और अब मुझे इसे करने हैं बैट के कट और उसके बाद करेंगे हम इसे हल्का घी में फ्राई, सॉटे सॉटे जैसा करेंगे और अपना गुजिया का जो मसाला है वो रेडी करेंगे फटाफट। ड्राई फ्रूट्स कट चुके हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स और इसको घी में अब मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने एक साथ घी में डाल के हल्का हल्का सॉटे कर लिया और बस अब इसे जलाऊंगी नहीं और इसे निकाल लूँगी प्लेट में। वैसे मेरी मम्मी तो जो है गुजिया का जो मसाला तैयार करती हैं, स्टफ तैयार करती हैं, वो प्योर खोया डाल के ही बनाती है, मतलब खोया, ड्राई फ्रूट्स, बूरा और वो नारियल ये डाल के। बट मुझे थोड़ी सी उसमें सूजी मिलाना भी पसंद है, मतलब सूजी का टेस्ट भी मुझे खोए के साथ अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ी सी सूजी भी भून रही हूँ। मैंने सूजी ले ली है, बहुत ही थोड़ी सी ली है, ज़्यादा नहीं, तो अपने टेस्ट के लिए बस, बाकी तो खोया ही जाएगा इसके अंदर। बस इसको भून लूँगी अच्छे से और फिर मिक्सचर तैयार करूँगी। तो ये खोआ भी रेडी है मेरा, मैंने तोड़ लिया इसको, छोटे छोटे पीसेस कर लिए इसके, तो टुकड़े कर दिए छोटे छोटे। और यहाँ पे भी मेरा ये सारा ड्राई फ्रूट, सूजी, नारियल का मैंने काट के नारियल को नहीं डाला, उसका बुरादा डाला है, और ये है भूरा। दोनों मिक्सचर को मिक्स करना है। इसको पूरा अच्छे से मिक्स करना है ताकि भूरा जो भी है सब जगह मिल जाए, सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाए। छोटी छोटी पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं ये, अब इसमें भुजिया का मसाला भरूँगी। ये ले लिया इस पर और पेस्ट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ही भरते हैं, ज़्यादा भरने से कभी कभार फट भी जाते हैं, फ्राई करते वक्त तेल में तलते वक्त ये फट भी जाते हैं, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा ही भरूँगी, ज़्यादा ज़्यादा नहीं भरूँगी। और भरने के बाद इसके कॉर्नर्स में हल्का हल्का पानी लग जाता है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और तलते वक्त फटे नहीं। उसको कस के दबाए, सब दबा लें अच्छे से इसे, और इसके बाद ये बचा हुआ जो है रिमूव कर दो। देखो नाइस, अच्छी बनी है शेप, सब तरफ से अच्छा बना है। मैं ऐसे ही सारी रेडी कर लेती हूँ क्विकली। गुजिया बन के रेडी हो चुकी हैं और इधर तेल भी चढ़ गया है। अब ये तेल के अंदर और ऐसे ही करते करते इस सारी गुजिया जाएंगी, और इसको मीडियम गैस पे करके मुझे इसे फ्राई करना है ताकि कच्ची भी ना रहे, बाहर अंदर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। हम भी छोड़े हैं, डर भी लग रहा है डालते रहते।
ये फ्राई हो चुकी हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, देख सकते हो आप। कभी कभार मैं बना ही लेती हूँ अच्छा, बस ये टेस्टी हो खाने में भी। इसको निकाल लेते हैं, इसमें मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया है और इसको निकाल लूँ। और ऐसे कर करके सारी गुजिया इसमें निकाल लेती हूँ। फाइनली मेरी गुजिया बनके रेडी हो चुकी है और अब खाने में टेस्ट में पता चलेगी कि कैसी बनी है। तो अभी तो मैं ऐसे न्यूज़पेपर से कवर करके और एक डब्बे में, स्टील के डिब्बे में भर के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेफ रहें और सुबह ही उठ के सब टेस्ट करेंगे कैसी बनी। मैंने इसे आज रात में इसीलिए बना दी कि ताकि, क्योंकि इसे बनने में टाइम लगता है और कल तो होली ही है, तो कल तो वैसे ही मेरी बहन ने दही बल्ले बनाने, तो उसमें बिजी रहेंगे, पकौड़े भी बनेंगे, तो उसमें भी तो गुजिया एक दिन पहले ही बना के रख दो ताकि टेंशन ना रहे कि गुजिया में बनानी है। सो अब आ चुकी हूँ मैं अपने बेड में और अब फाइनली मैं करूँगी आराम अच्छे से और सोऊँगी। गुजिया बनने का काम था, गुजिया बना दी मैंने, बाकी कल देखते हैं कल क्या क्या काम होंगे, कल की कल देखते क्या होगा जो भी होगा। अभी फ़िलहाल मैं सो जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और एडवांस में हैप्पी होली।